डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रगति खलतकर, गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, और लास्ट 25 इयर्स से मैं सक्कदरा स्क्वायर पे नागपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबॉर्शन के बारे में, और स्पेशली मेडिकल अबॉर्शन के बारे में। तो ये निसर्ग की बात है कि कोई भी जब एक मेल फीमेल मिलते हैं तो प्रेगनेंसी रह जाती है अगर प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो। कई बार कुछ ऐसे ओकेजन्स हो जाते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाती है, या कभी कभी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के कारण भी प्रेगनेंसी रह जाती है। तो द कपल, जो द फीमेल, जो द पर्सन हु इज़ प्रेगनेंट, वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आपके पास क्या तरीके होते हैं? नॉर्मली अबॉर्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर्जिकल अबॉर्शन, जिसमें कि हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, सूंघनी देते हैं और उसको धुलाई करके निकाल के देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है बच्चादानी, ये है बच्चादानी, ये है पेशाब की थैली। नॉर्मली प्रेगनेंसी इस बच्चादानी में रह जाती है। तो सर्जिकल एबॉर्शन में एनेस्थीशिया दिया जाता है, बच्चादानी का मुंह खोला जाता है और धुलाई करके इसके अंदर की प्रेगनेंसी को निकाल देते हैं। अब इसमें एडमिट होना पड़ता है और थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो कुछ लोगों को डर लगता है। पर अभी रिसेंटली एक 8-10 साल से नई प्रोसीजर आई है, जिसको कि हम बोलते हैं मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपको एडमिट होना नहीं पड़ता है, आपको एनेस्थीशिया लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, और आपको सिर्फ दवाई से ओपीडी बेसिस पे अबॉर्शन करके दिया जाता है। उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं कि हर प्रेगनेंसी का मेडिकल अबॉर्शन नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी छोटी होना चाहिए, जैसे कि एक महीना चुक कर 19 दिन, या बोल लीजिए मोटा मोटा 20 दिन। महीना अगर चुक गया और उसके ऊपर 20 दिन हुए होंगे तो आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकते हैं, पर अगर उससे ज़्यादा हुए होंगे तो मेडिकल अबॉर्शन फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका महीना चुक गया है, सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि हर टाइम महीना चुकना इज़ नॉट अ प्रेगनेंसी। समटाइम्स जस्ट पीरियड ओवरशूट हो गया है, तो आपको आपके डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके बैठ नहीं जाया करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट भी बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव होती है। इसलिए इस डायलेमा से निकलने के लिए हम पेशेंट्स की प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद में एक सोनोग्राफी से कंफर्म कर लेते हैं कि इसको प्रेगनेंसी है कि नहीं। बात सिर्फ ये ही नहीं रहती है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, पर बात ये भी रहती है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में दिख रहा है ये कॉपर्टी, यूट्रस है, इसमें कॉपर्टी है। तो कई बार प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली यूट्रस के बाहर रह जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कुछ लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा कि इट्स एन इमरजेंसी। तो हमें कंफर्म करना होता है कि हम अबॉर्शन कर रहे हैं, वो प्रेगनेंसी इस यूट्रस के अंदर है। तो पहले एक सोनोग्राफी करके कंफर्म करते हैं यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है, एंड उसके बाद में पेशेंट को हम एक टैबलेट देते हैं खाने के लिए, और टैबलेट देने के बाद में पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। उसको 2 दिन के बाद बुलाते हैं, 3rd डे। मेडिकल अबॉर्शन में पेशेंट को 2 या 3 विजिट्स करना पड़ती है, पर इट इज़ वर्थ। एटलीस्ट सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हो रही है आपकी कुछ भी। तो अगर आज आप आए हैं, आपको 8 दिन ऊपर हो गए हैं, तो आज आपको मैं पहले एक सोनोग्राफी करूँगी, कंफर्म करूँगी प्रेगनेंसी है, यूट्रस में है, एंड फिर मैं आपको आज एक टैबलेट दे दूँगी। उसके बाद मैं आपको 2 दिन के बाद बुलाते हैं और हम 2 टैबलेट्स आपको बच्चादानी के नीचे, यानी कि योनि मार्ग में, फिर से ये है योनि मार्ग, ये है यूट्रस, बच्चादानी के मार्ग में 2 गोलियां रख देते हैं। और फिर आपको जिस दिन गोली रखी जाती है, उस दिन कुछ 5-6 घंटे के बाद ब्लीडिंग चालू हो जाता है, यानी अबॉर्शन प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे कि हर महीने में पीरियड्स आता है ना, उसी तरह का ब्लीडिंग होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है जैसे पीरियड्स में रहता है। एंड हम टैबलेट ले ही रहे अबॉर्शन करने के लिए, यानी ब्लीडिंग कराने के लिए, तो नॉट टू वरी। सो दिस इज़ द वे मेडिकल अबॉर्शन इज़ डन। अब ब्लीडिंग चालू हो गई तो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब ब्लीडिंग चालू होती है तो आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग 5-6 दिन से ज़्यादा हो रही है और रुक ही नहीं रही है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो भी आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है।
अगर ब्लीडिंग होती है 5-6 दिन, आप फील करते हैं कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स पास किए हैं, कुछ फ्लैशी पीसेस पास किए हैं, इसका मतलब आपका वॉशिंग प्रोसेस हो गया है। और अगर ब्लीडिंग रुक गई है 5-6 दिन के बाद, तो ये इंडिकेशन है कि आपका वॉशिंग पूरा हो गया है। तो बेहतर यही होता है दोबारा डॉक्टर के पास जाके एक बार फिर से सोनोग्राफी करके कंफर्म कर लेते हैं पूरा कुछ गिर गया, नहीं तो कुछ टुकड़ा अंदर रह जाता है और आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहता है। तो मैं अपने सब पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि मेडिकल अबॉर्शन के पहले और आफ्टरवर्ड्स कंफर्म कर लीजिए कि प्रेगनेंसी हम अबॉर्ट हो गया। तो टोटल 3 विजिट्स। अब कुछ लोगों को 2 बार आना नहीं जमता है, तो हम जब पेशेंट आती है फर्स्ट विजिट पे, तब हम उसको टैबलेट देते हैं, साथ में मुँह से खाने की भी टैबलेट देते हैं, नीचे नहीं रखने की जगह, योनि मार्ग में नहीं रखने की जगह हम उनको कुछ गोलियां देते हैं कि वो लोग उसका सेवन कर सकते हैं 2 दिन के बाद में, उससे भी ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फर्स्ट डे एक टैबलेट और घर पे जाके 2 दिन के बाद 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम को खाइए, जिससे कि अबॉर्शन हो जाता है। एंड मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं पेशेंट को बुलाती हूँ और 2 टैबलेट अंदर रख के देती हूँ। चॉइस इज योर्स, बोथ वर्क इक्वली वेल। अब कुछ प्रिकॉशंस कि सबसे पहली है कि ये दवाइयाँ आपने आपके डॉक्टर से लेना चाहिए, ना कि आप किसी फार्मेसी में गए, किसी को मांगे या किसी पेशेंट ने यूज़ किया है तो आपने उसके हिसाब से कर लिया है। आप डॉक्टर की सलाह से ये गोलियाँ लीजिए, क्योंकि हमने देखा है पेशेंट्स बहुत बार हैवी ब्लीडिंग लेके आते हैं, बहुत ब्लीड होते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है, कई बार ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती, गोली ले लेते हैं और बराबर से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। सो फॉरमोस्ट इज़ आपके डॉक्टर को मिलिए और उसके बाद ये गोलियाँ लीजिए। दूसरी एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 80-90% 1.5 महीने तक की प्रेगनेंसी मेडिकल अबॉर्शन से हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर कभी कभी जिन लोगों के पहले सीजर हुए रहते हैं, उनको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ सब तो गिर गया पर एक आधा टुकड़ा अंदर चिपक कर रह गया है यूट्राइन कैविटी में, ऐसे केस में हमको अंदर से सफाई फिर से करना पड़ती है। तो आप डॉक्टर को फिर से मिलिए और वो आपको एडवाइस करेंगे सोनोग्राफी करके कि इसमें धुलाई की गरज है या दोबारा डोज देके आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मेडिकल अबॉर्शन है। आप सबसे तो पहले अव्वल तो ऐसी मौका आने ना दें कि अबॉर्शन करने की ज़रूरत पड़े, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करिए और अगर आ ही गया तो डॉक्टर की सलाह से अबॉर्शन कराइए। थैंक यू।